उत्पत्ति अध्याय 22, उत्पत्ति अध्याय 22। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरियाह देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होमबलि करके चढ़ा। सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होमबलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कूच करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो और यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। सो इब्राहिम ने होमबलि की लकड़ी लेकर अपने पुत्र इसहाक पर ला दी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। सो वे दोनों संग संग आगे चलते गए और वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे। तब इब्राहिम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध के वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेंढा अपने सिंगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। सो इब्राहिम ने जाके उस मेंढे को ले लिया और अपने पुत्र की संति होमबलि करके चढ़ाया और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से इब्राहिम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ रखा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब इब्राहिम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेरशेबा को संग संग गए और इब्राहिम बेरशेबा में रहता रहा। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि इब्राहिम को यह संदेश मिला कि मिल्का के तेरे भाई नाहोर से संतान उत्पन्न हुए हैं। मिल्का के पुत्र तो ये हुए, अर्थात उसका जेठा ऊस और उसका भाई बूज और कमुएल, जो अराम का पिता हुआ, फिर केसेद, हजो, पिलदाश, इदलाप और बतुएल। इन आठों को मिल्का इब्राहिम के भाई नाहोर से जन्म दिया और बतुएल ने रिबका को जन्म दिया। फिर नाहोर के रूमा नाम एक रखीली भी थी जिससे तेबह, गहम, तहश और माका उत्पन्न हुए।